आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा की जरूरी पूजन सामग्री, किसकी पूजा करनी चाहिए इस दिन, और जानेंगे पूर्णिमा पूजन से पहले घर में क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा सुर राक्षस का वध किया था शिव जी ने, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान पुत्र और दीप दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक और मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदी अथवा जलकुंड में स्नान करना भी बहुत फलदायी होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का पूजन के लिए कौन सी पूजा की सामग्री का उपयोग जरूर होना चाहिए। इस दिन इसके लिए चाहिए होगी लकड़ी की एक चौकी और लाल कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति, और इसके साथ चाहिए होगी रोली और चावल। चावल में ध्यान रखें, चावल अखंडित होना चाहिए, टूटा हुआ चावल पूजा में उपयोग नहीं किया जाता है। और इसके साथ सिंदूर चाहिए होगा, दीपक, घी और बत्ती, देसी घी चाहिए होगा इसके लिए, और पंचामृत, गंगा जल, नैवेद्य, धूप, मिठाई, फल, फूल माला एवं फूल, इतनी सामग्री पूजा के लिए जरूर चाहिए होगी। और अब ये जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजन से पहले क्या कर लेना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पूजा के लिए अपने घर की अच्छे से झाड़ पहुँच करके उसे धो लें। परिवार के सभी सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी में स्नान कर लें। यदि नदी नहीं है तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। स्नान के पश्चात भारतीय परंपरागत साफ और श्वेत वस्त्र पहन लें। घर में पवित्रता का माहौल रखें और घर में किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन या मांसाहार का सेवन ना करें। घर को अशोक के पत्ते और फूल मालाओं से सजा दें। घर में सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाएं। और अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसकी पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसीलिए इस दिन आप भगवान सत्यनारायण की कथा और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इस दिन भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। वैसे इस विशेष दिन पर माता तुलसी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। आप हमें इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार सही नमस्कार। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सूसी सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है, तो इसके लिए आप हमें क्षमा कर दें और हमारा साथ और सहयोग बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।